अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज है जुम्मे का दिन, तो हम जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे, तो मैंने इस क्लिप जो है वो शूट कर लिया। तो ये सारा रास्ता जो है ये मस्जिद के लिए ही वक़्फ़ है, और ये इतनी बड़ी मस्जिद है, ये चारों साइडों से मस्जिद का ही अहाता है। तो जो फर्स्ट रोड आई थी वो भी मस्जिद थी, ये सेकंड जो जा रही है भी मस्जिद की ही रोड जा रही है। गालबन इसी रोड पर जो है ना मर्दों की एंट्री है, और जो सेकंड है इसके बाद जो रोड आएगी उसमें औरतों की एंट्री है। तो उसके बाद फिर मतलब ये सारी जो है ना चारों साइडों से मस्जिद ही है। बस इस मैदान में बहुत बड़ी मस्जिद है, जुमा मस्जिद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। बस जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो उसके बाद फिर अजान शुरू हो गई थी। यहाँ पर बनाने लगी थी मैं रात का खाना, जिसमें कलेजी पोटे और दिल बनाने थे, जो इनके पापा को बहुत पसंद है, काफ़ी दिनों से लेके आए हुए थे। सोचा आज वही बना लेते हैं। तो प्याज़ और लहसुन, और उसके अंदर मैंने जो है नमक मिर्च और हल्दी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल दिया है। और अभी इसके अंदर जो है टमाटर भी काट कर और पानी डाल कर इसको 10 मिनट के लिए कुकर लगाया। जैसे ही 10 मिनट का कुकर चल गया, तो फिर मैंने इसके अंदर पोटे जो साफ़ किए हुए थे उसके साइज़ छोटे करके, तो इसके अंदर डालकर उसी पानी के अंदर 5 मिनट के लिए इसको भी कुकर लगा दिया, क्योंकि ये थोड़ा देर से गलते हैं और फिर वो बाइट में जो है ना सख्त अच्छे नहीं लगते। फिर पहले ही कुकर लगा दिया ताकि अच्छे से गल जाए। और उतनी देर में मैंने कलेजी और जो दिल थे वो भी साफ़ कर लिए। अब जैसे ही हमारे पोटे भी 5 मिनट का कुकर लगा लिया और खोल दिया मैंने, तो उसका मैं अच्छे से भून लूँगी, ऑयल भी डाल दूँगी। जैसे ही ये पानी सारा एवेपोरेट होता है तो इसके अंदर ऑयल डालकर भून लेते हैं। जब भून लेंगे तो फिर इसके अंदर जो कलेजी और जो दिल है ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी देर भूनेंगे, क्योंकि कलेजी ने थोड़ा सा पानी छोड़ा था, क्योंकि अभी फ्रेश मैंने धोई थी, और उसी पानी में वो कलेजी जो थी ना वो गल गई। थोड़ी देर उसको भूनने के बाद जब कलेजी अच्छे से गल गई, तो इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया और जो सब्ज़ मिर्चें हैं काट कर वो शामिल कर दी, और थोड़ा सा एक चम्मच जो है ना टीस्पून का गरम मसाले का शामिल किया। इस तरह से जो खाना था वो रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। तो जी आपने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि जो है ना सब के सभी हम घर वाले नज़ला ज़ुकाम खांसी और गला ख़राब जो है ना सबका हुआ हुआ है, सारे ही जो है वो बीमार है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको सेहत दे, जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला आजला ताक करे। तो यहाँ पे गरम मसाला भी डाल रही हूँ, और इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब खाना खाते हैं इंशाल्लाह।
आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।